गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स कैसे हैं आप बच्चों आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे बायोलॉजी है ना आज बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्सुअल प्रोडक्शन के विषय में बात की थी आज फ्लावरिंग प्लांट के ही सेक्सुअल प्रोडक्शन में आगे पढ़ेंगे बच्चों आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टेमिन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलिन ग्रीन्स ठीक है ना देखो बच्चों होता क्या है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है उसमें जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ठीक है ना आ, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों उसे हम क्या नाम देते हैं दैट इज एंड्रोसियम उसे क्या कहते हैं हम एंड्रोसियम कहते हैं है ना और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या नाम देते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं गायनोशियम है ना क्या नाम देते हैं उसको हम लोग गायनोशियम नाम देते हैं तो गायनोशियम में क्या-क्या होता है गायनोशियम में आपके सबसे अपर पार्ट में होता है स्टिग्मा मध्य वाले पार्ट को मिडिल वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल और सबसे नीचे जो होता है वो होता है ओवरी है ना तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले जो पहला टॉपिक है आपका रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में वो पढ़ेंगे दैट इज स्टेमिन उसके बाद क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम और फिर पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं ना ये बात पढ़ेंगे आज हम लोग बच्चों तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई देखो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि एक स्टेमिन को अगर देखा जाए बच्चों तो कुछ इस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर बनती है इस तरीके से कुछ इस प्रकार से बच्चों ये इस तरह से बनता है कुछ ये होगा आपका दिस इज एंथर इस पार्ट को बोलते हैं दिस इज फिलामेंट है ना और ये आपका कनेक्टिव हो जाएगा इतने पार्ट होगा स्टेमिन के ठीक है बच्चों अब ध्यान रखना कुछ मैं आपको डेफिनेशंस बोलता चलूंगा आप लोग अपना नोट करते चलेंगे ठीक है ना देखो होता क्या है द टर्मिनल पार्ट ऑफ एंथर जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एंथर ध्यान रखना जो हमारा स्टेमिन का जो लोब्ड पार्ट है जिसमें आपको दो पार्ट दिख लोब का मतलब दो खंड जिसमें दो खंड दिखाई दे रहे हैं उसको हम कहते हैं एंथर है ना द प्रोक्सीमल इंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस है ना और द दीटल ऑफ द फ्लावर और जो सबसे निचला वाला पार्ट है वो फ्लावर के थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है नीचे वाले पार्ट जुड़ा होता है या पत्तियों से जुड़ा होता है द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेम आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हम सभी जानते हैं इसको कि स्टेमन की जो नंबर है जो लेंथ है वो अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग होती है, है ना बच्चों ए टिपिकल एनजियोस्पर्म एंथर अगर एक वेल डेवलप्ड एनजियोस्पर्म प्लांट की बात की जाए बच्चों तो जो एक वेल डेवलप्ड एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उसमें जो एंथर होता है दैट इज लोब्ड ध्यान रखो बाई टिपिकल है ना ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज लोब्ड विथ ईच लोब हैविंग टू थीका है ना इसमें जो एक एक लोब है अलग अलग लोब जो है ना एक है ये एक ए लोब है और एक ये वाला है इनको हम नाम क्या देते हैं बच्चों थीका नाम देते हैं क्या नाम देते हैं इनको हम थीका कहते हैं। तो बात समझ में आई कि थिका क्या है थीका इज द पार्ट ऑफ लोब है ना और लोब का मतलब इसमें दो खंड है ना? दे आर इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं जल्दी से इनको नाम दे देते हैं डाई थिकस दो लोग हैं चूंकि एक लोग को थिका कहते हैं और दो लोग हैं तो डाई थिकस ठीक है ना अब आगे बच्चों समझे अगर हम ए बाइलोब्ड मेच्योर बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर अगर हम एक एंथर के ट्रांसफर सेक्शन को काटें अगर उसका हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो बच्चों हमें क्या दिखाई पड़ता है देखें उसको द एंथर इज फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्परेंजिया लोकेटेड एट द कार्नर अगर आप बच्चों इसको काटोगे तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है अपना कि इसमें कुल चार खंड आपको दिखाई पड़ेंगे ठीक है ना इसमें कुल कितने खंड दिखाई पड़ेंगे चार खंड दिखाई पड़ेंगे ठीक है और जो स्ट्रक्चर वहां पे बनती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी, जैसे मान लीजिए ये ये पार्ट है, है ना और एक ये पार्ट हो गया अभी देखें आप इसको और एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया इस तरीके से इस तरीके से देखें तो यहां आप क्या देखोगे एक यहां ऐसे बनेगा एक यहां बनेगा और एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा तो ये पार्ट जो है बच्चों इनको क्या नाम देंगे माइक्रोस्पोरेंजिया क्या नाम देंगे माइक्रोस्पोरेंजिया तो आप कह सकते हो कि माइक्रोस्पोरेंजिया एक ऐसी सेल है जो कहां पाई जाती है जो एंथर में पाई जाती है जो कहां पाई जाती है एंथर में और जो की बाईलोब एंथर है तो चार माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे है ना तो फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कार्नर ऑफ कार्नर टू इन ईच लोब है ना दोनों एक एक लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएंगे कोने पर द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर अब जब थोड़ा टाइम बीतता है फ्लावर का तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं डेवलप होते हैं एंड बिकम्स पॉलन साक्स और जब ये और मेच्योर हो जाएंगे बच्चों तो इनको नाम मिल जाएगा पॉलिन सैक यस ए सी एस ठीक है ना पॉलिन सैक मतलब वो स्थान जहां पर पॉलिन ग्रेन रहेंगे कुल मिलाकर आप ये समझो कि माइक्रोस्पोरेंजिया जब मेच्योर हो जाएगा जब डेवलप हो जाएगा तो उस स्थान पर पॉलिन पॉलिन ग्रेन्स रहेंगे इसलिए नाम क्या पड़ जाएगा इनका पॉलिन साइक्स दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडली आल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलिन ग्रेन्स ठीक है ना ये पॉलिन ग्रेन सिप आगे चलकर पैक हो जाएंगे ठीक है बच्चों अब देखें हम लोग इन ए ट्रांसफर सेक्शन अगर ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए बच्चों तो क्या देखने को मिलता है ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो माइक्रोस्पोरेंजिया है है ना तो ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन ये गोलाकार दिखाई पड़ता है बच्चों कैसा दिखाई पड़ता है गोलाकार दिखाई पड़ता है जैसे आप देख रहे हैं इसको है ना ये गोलाकार दिखाई पड़ता है इट इज जनरली सराउंडेड बाई फोर वाल लेयर फोर वाल लेयरस है ना ये जो आपके माइक्रोस्पोरजिया है ये चार लेयर से ढके हुए होते हैं बच्चों कितने लेयर से ढके होते हैं चार लेयर से ढके होते हैं कौन कौन से लेयर होते हैं सबसे पहला होता है बच्चों ईपीडर्मिस ईपी डरमिस सबसे पहला होता है दूसरा वाला होता है इंडोथिकम या इंडोडर्मिस इंडो थिकम तीसरा वाला होता है बच्चों मिडिल लेयर कौन सा होता है मिडिल लेयर होता है और चौथा जो लेयर होता है बच्चों आपका वो क्या होता है दैट इज टाइपेटम दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइपेटम है ना तो आप क्या सुन रहे हो ये सेल्स कहां से आ गए ये माइक्रोस्पोरेंजिया को चारों तरफ से घेरने वाले सेल्स हैं जिया क्या है एंथर के भीतर सेक्शन काटा जाए तो वहां से माइक्रोस्पोजिया दिखाई पड़ते हैं ये माइक्रोस्पुर जब डेवलप हो जाते हैं तब मतलब जब ये बायलोब थीका जो है जब ये डेवलप हो जाते हैं तो माइक्रोस्पुर कहे जाते हैं और ये चार सेल से ढके हुए होते हैं इपिडिस इंडोथिकम और मिडिल लेयर और तीसरा चौथा होता है बच्चों टेपेटम है ना चौथा कौन सा होता है टैपेटम द आउटर थ्री लेयर वाल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलिन ग्रेन्स अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तीन के तीनों लेयर हैं स्टार्टिंग वाले बच्चों ये क्या काम करते हैं तो ये कह रहे हैं कि ये काम करते हैं प्रोटेक्शन का ये काम क्या करेंगे प्रोटेक्शन का, का काम करेंगे जो माइक्रोस्पोरिंजिया हैं आपके इनको प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ इसके अलावा एंड हेल्प इन द डेसेंस ऑफ एंथर और इसके बाद बच्चों जब एंथर आपका मेच्योर हो जाएगा जब फटेगा डेसेंस का मतलब फटना जब फटेगा ये तो फटने में मदद करेंगे जिससे कि पॉलिन ग्रेन्स बड़े आसानी से एंथर से निकल सके बात समझ में आ रही है इन तीनों का फंक्शन क्या है इन तीनों का फंक्शन ये है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ पॉलिन ग्रेन्स को निकलने में मतलब एंथर को फटने में सहायक होंगे जिससे आसानी से पॉलिन ग्रेन्स निकल सके द इनर मोस्ट वाल लेयर इज टैपेटम लास्ट टेपेटम है इसका काम क्या है बच्चों इट डेवलपमेंट डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन ये क्या काम करेगी कि जो पॉलिन ग्रेन इन माइक्रोस्पोरेंजिया में पल रहा है जो डेवलप कर रहा है उसका नरिशमेंट करना उसको पोषण प्रदान करना ठीक है ना उसे क्या करना पोषण प्रदान करना सेल्स ऑफ टेपेटम पोजेजेज डेंस साइटोप्लाज्म ध्यान रखना जो सेल्स ऑफ टैपेटम है जो टैपेटम के सेल्स हैं उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों बहुत डेंस होता है एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस और इस टैपेटम के साइटोप्लाज्म में एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं ध्यान रखना व्हेन द एंथर इज यंग जब एंथर बच्चों बिल्कुल युवा होता है एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेन्ज होमोजिन मिलाकर आप ये समझो कि जब एंथर हमारा बिल्कुल नाजुक होता है एकदम स्टार्टिंग बनता रहता है उस समय होता क्या है कि आ, उस समय क्या होता है बच्चों की एक नए नई टाइप के सेल्स एक नए टिश्यूज जो है वो सेंटर में पाए जाते हैं जो इनके टैपेटम के साइटोप्लाज्म के सेंटर में पाए जाते हैं लोग वो उन्हें हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू जीनस टिश्यू स्पोरो ये स्पोरोस टिश्यू जो है बच्चों जो है कहां पाए जाएंगे अकुपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम के ठीक सेंटर पे ये लोग पाए जाएंगे ठीक है है ना बात समझ में आ रही है अब देखना आप बच्चों एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिनस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक डिविजन टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। ध्यान रखना बच्चों पढ़ा होगा मै, मियोसिस और दो टाइप के डिवीजन होते हैं ना तो वैसी सेल डिवीजन की बात हो रही है यहां पर कि जैसे ही एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन टू फार्म माइक्रोस्पोर टेट्राड जैसे ही जो है ये सेल्स डेवलप होती है अंतर की जो माइक्रोस्पोर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये मियोटिक डिवीजन करके चार टाइप के सेल्स बनाता है जिनका नाम होता है माइक्रो स्पोर टेट्राड क्या नाम होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड यहां तक बच्चों बात समझ में आई अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तब तक आप इसको पढ़ें अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की ठीक है ना बच्चों थैंक्स